हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ गैस ऑन कर लिया है हाई फ्लेम पर, और हम अपने बैंगन को अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से भूनेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको गोल गोल घुमाते रहना है और इसको ऐसे रख देना है गैस के ऊपर। इसको आप लगातार ऐसे ही नहीं रखे रहना है, इसको बार बार चलाते रहना है। जिधर की साइड से इसका छिलका ब्लैक हो चुका है, उधर की साइड से आपको घुमाते रहना है। इस तरीके से आपको पूरे बैंगन को ऐसे पका लेना है और अच्छे से भून लेना है। देखिए, इसकी स्किन हल्की हल्की ब्लैक होने लगी है, यानी कि हमारा बैंगन अच्छे से भून रहा है। आपको ध्यान रखिएगा, इसको रख के कहीं जाइएगा मत, नहीं तो ये बैंगन ख़राब हो जाएगा और काला पड़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इसको अपने सामने करिए और गोल गोल ऐसे घुमाते रहिए। ये बैंगन कम से कम 4 से 5 मिनट में अच्छे से भुन जाता है। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये बैंगन। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपकी रेसिपी बिगड़ भी सकती है। फिर बाद में आप कहोगे कि हमारी हमारी सब्जी तो इस तरीके से बनी ही नहीं, क्योंकि आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। इस वजह से आपको देखिए, हमारा ये बैंगन अच्छे से कुक हो चुका है, हमने गैस बंद कर दी है। और दूसरे बैंगन को भी हमें इस तरीके से ही कुक कर लेना है। और जब अच्छे से कुक हो जाए तो थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है, और ऐसे ही हमें दूसरे बैंगन को भी अच्छे से कुक कर लेना है। और आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे दोनों बैंगन कुक हो चुके हैं और 10 मिनट में इसको ठंडा करने के रख दिया है। साथ ही मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। अब हमें फ्रेंड्स करना क्या है, जो इसकी स्किन है वो ठंडा होने पर लूज़ पड़ जाती है, आपको बस चाकू की सहायता इसकी स्किन को रिमूव करना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, स्किन रिमूव नहीं होती है, बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपनी स्किन को छोड़ने लगता है बैंगन भुनने के बाद। और आप चाकू की सहायता से इस तरीके से आप इसकी स्किन को रिमूव कर सकते हैं। देखिए कितनी इजीली से हो भी रहा है। और इस तरीके से हम पूरे बैंगन की सफाई कर देते हैं अच्छे से, जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको हम अच्छे से हटा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैंगन अच्छे से साफ हो गया है, इसको आपको वॉश नहीं करना है। और इसको आपको आपको ऐसे साइड में रख लेना है। इसी प्रकार फ्रेंड, दूसरा बैंगन भी हमें ऐसे इसके छिलके को हटा लेना है। देखिए दोनों बैंगन हमारे साफ हो गए हैं। अब हमने एक पैन लेंगे, पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और ये प्याज मैंने थोड़े से मोटे कट करे हैं, क्योंकि इस तरीके ही प्याज इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनको प्याज को कम से कम 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इनमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। और साथ ही मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, मैंने इनको कट नहीं किया है, बिना कट करे ही आप इसमें ऐड करिएगा। और साथ ही साथ ये मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी। देखिए इसमें हल्का सा कलर आ चुका है, तो हम अपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और इस टमाटर को भी 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और फ्रेंड्स साथ ही साथ में कश्मीरी रेड पाउडर, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है मैंने। फ्रेंड्स इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा मीट मसाला भी ऐड किया है। इसे फ्रेंड्स अगर आप इसे डालते हो ना, बिल्कुल मीट वाला इसमें टेस्ट आता है, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, मुर्गे का मीट खाते हो, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही खाने में जिसका टेस्ट होता है। फ्रेंड्स मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पता किस तरीके से बनता है क्या क्या है, लेकिन जब मैं अपने बनाती हूँ अपने घर पे, तो मेरे हस्बैंड ऐसे तारीफ करते हैं कि ये बिल्कुल मीट चिकन की मीट की जैसा बना है। आप भी सुबह एक बार ट्राई करना अपने घर में, सबको बेहद पसंद आएगा। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से कुक हो चुकी है, और जो हमने बैंगन थे उनको कट करके कुछ इस तरीके से डाल दिया, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाएंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारे इसमें मसाले
अच्छे से कोट हो जाए अंदर तक, उनका फ्लेवर चला जाए हमारे बैंगन में। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 मिनट तक करनी है। कि 3 से 4 मिनट तक करने के बाद इसमें हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाते हैं। और ये ऊपर वाला हार्ड वाला पार्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे करके फोड़ लेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, और इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। और फ्रेंड चलाने के बाद इसको केवल 2 मिनट तक आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमारे बैंगन एकदम रेडी हैं। आप इसको गर्मा गर्म पराठा, रोटी, नान किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, और सबको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई करेगा इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मैं ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी, और एक बार जरूर ट्राई करना इसको। और फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।